दूसरी जानब ये जो अभी रिसेंट आपके हालात सामने हैं फौजी तनसीब पर हमले करना उनके घरों में जाके ये चीजें जो आपने मीडिया में देखी होंगी तो क्या आप इसको दुरुस्त समझते हैं कौन समझेगा इस... अब ये जो मामला हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि पी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने खलूफ से काम लिया है और कानून भी गलत काम किया है शुरू में तो ये लोग झंडे लहरा रहे थे अब ये कह रहे नहीं हमारे अंदर और लोग घुस गए थे यार एक बात पे तो कायम रहे ना या तो उस वक्त आप गलत थे या आप गलत हैं मेरा ख्याल ये बिल्कुल गलत हुआ मेरे कल भी एक पी के जो मेन वकील हैं उनसे बात हुई जो अब इन बच्चों की जमानतें ले रहे हैं वो कह रहे हैं कोई जज जमानत देने के लिए तैयार नहीं हो रहा वो कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के मुकदमत हैं ज़मानत कैसे दें बात तो ठीक है तो मैंने देखे उस रात मेरे पे एक ख़ास गम की कैफियत थी मैंने आठ नौ मिनट की वीडियो अपलोड की है बड़ों तक भी पहुँच चुकी है लाखों लोग वो देख चुके हैं बड़ों को मैंने डायरेक्ट भी भेजी कि यार ये जो बच्चे थे ना इनकी जी आपके बड़ों ने की थी जो बड़े अब रिटायर होकर स्कूल से जिंदगी गुजार रहे हैं खुद तो ए पोलिटिकल हुए हुए सो कॉल्ड बच्चे लोगों के जा रहे हैं जेलों में अखलाकन सबसे पहले उन्हें आप जेलों में फेंकें उनका कोर्ट मार्शल करें उसके बाद इन बच्चों पे करें लेकिन यह बड़ा जुल्म है कि ये बच्चे तो जेल में सड़ रहे हैं और वो ऐसी वाले कमरों में घर बैठे हुए हैं जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया था तो ये बड़ी ज्यादा है तो बेहतर यह है कि इन्हें भी आप वीडियो में माफी दिलवा के इनके मां बाप के साथ बैठा के कि हम आधे आंदा ऐसी हरकत ना करेंगे तो इनके ये मुकदमा खारिज करें ये आपके अपने बच्चे हैं स्टेट माँ का दर्जा रखती है और माँ का काम है कि बच्चों से अगर ऐसी गलती हो जाए तो माफ़ करें और उसमें देखें मैं समझता हूँ कि फौज से भी मिस हैंडलिंग हुई है एक कोर कमांडर का काम नहीं था कि इस तरीके से वो खुद निकल जाता और ये मुआव के हवाले अपना घर कर देता ये करना नहीं चाहिए था तो ये इनसे भी मिस हैंडलिंग हुई है और उसको तो कोर कमांडर को इन्होंने हटा भी दिया अपनी पोस्ट से आपको पता है ना आ, बाकी कानूनन ये जितने मामलाते हैं ना मैं समझता हूँ कानूनन तो हुकूमत जस्टिफाई है ये तमाम मुकदमा बनाने में हम किस मुंह से इनको कहें कि ये गलत काम नहीं हुआ हम तो नहीं ये झूठ बोल सकते गलत काम तो हुआ है सिर्फ इनके पास अब छूटने का रास्ता ये है कि ये अपनी माफी नामा वीडियो में आके कहें कि जी हम जज्बाती हो गए थे ये हो गया बाकी जो नुकसान होना है वो तो अवाम पहले भी भुगत रही है वो तो सरकार सियासतदानों ने भी इतना कौम का नुकसान किया है उसके बाद जुडिशरी ने कितना कौम का नुकसान करवाया कितने बड़ बड़े बड़े केसेस पे इन्होंने अरबों रुपया लगाया और एक रुपया नहीं निकाल सके एकमा निकला एंड पे एमन फील्ड वहीं पर खड़ा हुआ है कुछ भी नहीं कर सके इस तरह फौज भी आपको पता है जो कुछ मामला चलते रहे तो जब इन्होंने अरबोर किया जाय ने अगर कर दिया है तो यार माफ कर दो ने भी तो आप सारे बड़ों को माफ ही किया काम है कि वो कंडेम करें लेकिन केसेस तो आप ही हमें कहते थे को फेस करें अगर आप ख्वाजा आसिफ को साद रफीक को ढाई ढाई साल के लिए नैब के जरिए अंदर करवाए और एंड पे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला थे ये सारे पोलिटिकल केसेस थे तो आप तो बड़े अच्छे हैं कि ये आपके मुखालफिन ने वो नब्बे दिन वाला कानून ही खत्म कर दिया वरना नवे दिन से पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बाप भी आपकी जमानत नहीं ले सकता था तो ये आपके ने तो आपके साथ बड़ी नेकी की है तो आपके साथ तो कुछ हो भी नहीं रहा आप तो लोगों को दरस देते थे ना तो आप भी फिर उसको बर्दाश्त करें ना और मैंने तो बहुत पहले कहा था कि जब तक ये जेल नहीं जाएंगे बड़े लीडर नहीं बनेंगे उसके लिए जेल जाना जरूरी है बाकी एक चीज है जो मैं समझता हूं मैं उस तकलीफ से खुद गुजर रहा हूं क्योंकि जब मेरी भी कोर्ट में पेशी होती है इतनी सिक्योरिटी मेरे लिए भी लगती है पूरे शहर के अंदर मैं समझ सकता हूं कि मेरी लाइफ वनरेबल होती है उस वक्त मुझसे ज्यादा खान साहब की लाइफ वनरेबल है ये गारंटी फिर गवर्नमेंट को देनी होगी कि वो अगर कोर्ट में जाए तो उनके ऊपर कोई अटैक ना हो वहां कहेंगे नहीं जी कुछ भी हो सकता है कोई भी मोटिवेटेड बंदा आ सकता है फिर मेरे ख्याल खान साहब को कोर्ट की बजाय

जी मैं सोचता हूँ यार हमारे बच्चे जब देखते होंगे वो कहेंगे यार ये पाकिस्तान में पेश हो रहा है ये लीडर हमारा या इंडिया में पेश हो रहा है लोग तो इन वीडियोस का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये लोगों का दिलेर होना चाहिए और खुद इस तरह आ रहा है मजाक क्यों उड़ाना है भाई सिक्योरिटी तो रसुल्ला ने भी अपनी रखी है सिक्योरिटी रखना आपका राइट है जब आयत नाजर हुई ना वह यासीम का मिदन आपकी हिफाजत अल्लाह तला लोगों से करेगा उस दिन हजूर ने अपनी सिक्योरिटी उठाई थी रसुल्ला के बाद किसी को गारंटी नहीं कि वो सिक्योरिटी उसकी अल्लाह करेगा वो आपने ऊंट को बांध के अल्लाह पे तवक्कुल करना है तो लिहाजा ये राइट है आपका कि आप अपनी सिक्योरिटी रखें <coughs> अगर रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग तो मजहब के नाम के ऊपर खान साहब पे एक अटैक कर चुके हैं उनके मुहालवीन तो कहते हैं जाली था जो भी था यार एक चीज हमें नजर तो आई ना हुआ तो है ना ठीक है ना चलें वो गोली नहीं लगी कोई और चीज छरा लग गया या जो कुछ भी है लेकिन बहरहाल एक पब्लिकली तो हमने देखा है कि बंदे ने फायर चलाया है गोलियां भी निकली हैं रुख भी उधर था ये सारी चीजें हमने देखी है ना इसके बाद उस बंदे का हक है कि वो बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आके अपने मुकदमात को लड़े लाइफ को खतरा तो है ये उनका राइट है कि वो बुलेट प्रूफ शीशा भी इस्तेमाल करें गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे रही है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क में अगर तीन साल को बंदा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है ना तो लाइफ टाइम की सिक्योरिटी फिर गवर्नमेंट के जिम्मे है तो ये तीन साल से ज्यादा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने देनी है बाकी मैं भी इस हक में हूं कि इस तरह के हालात वाकत में खान साहब की पेशियां अदालतों की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होनी चाहिए और जल्द अज जल्द पीटीए वापस आए जी पार्लियामेंट में इसके ऊपर कानून साजी कर ले अपने लीडर के लिए कर ले लेकिन कोई कानून साजी करे सीधी सी बात है वरना ये यकीन मान रहे हैं कि अगर खान साहब को कुछ होता है तो इससे ज्यादा फसाद खड़ा होगा मुल्क के अंदर और वो जो फसाद खड़ा होगा ना आज तक एक भुट्टो के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और अब जो भुट्टो खड़ा होने लगा है ना वो पठानों में है और पठान जो है ना वो दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं हाँ रखिएगा ये खतरनाक होगा सिंधी तो फिर भी नॉर्मल है लेकिन पठानों ने अगर ये दुश्मनी भाई ना तो बहुत खतरनाक होगी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ये रिस्क बिल्कुल ना ले गवर्नमेंट के हाथ में बेहतर है खान साहब से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में बेहतर हाँ। जो फॉलोवर्स है आप भी स्टूडेंट्स मैं फॉलोअर नहीं कहता स्टूडेंट कह रहे अकेडमी में भी और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में आपको लोग बताते कि किस सियासी जमात को मौजूदा हाल में सपोर्ट करना चाहिए मैं तो कहता हूं कि आपका राइट है आप जिस मर्जी जमात को सपोर्ट करें क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं मैं अगर किसी एक जमात का नाम लूंगा ना तो दूसरी जमात के लोग उसकी हजारों खराबियां बताएंगे जो जैनवन भी होंगी तो मैं क्यों अपने गाटे फिट करूं किसी जमात को मैं कहता हूं कि जो जमात आज के दौर में आपको ये कह रही है ना कि आयन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए जुडिशरी अपनी हदों को क्रॉस ना करे फौज अपनी हदों से बाहर ना निकले पॉलिटिक्स में कोई रोल अदा ना करें प्राइम मिनिस्टर अपना काम करे सिविल सोसाइटी अपना काम करे और आयन और कानून की हिफाजत के लिए सब लोग चले और उसे सुपीरियर माने जिस तरह हम दीन में कहते हैं कि सुपीरियर कुरानो सुनत है तो किसी मुल्क में हमारा अहद है कि हमें जो यहां का शनाख्ती कार्ड मिला है वो इसलिए कि मैं पाकिस्तान के आयन के साथ वफादार हूं हमारे फौजी जब हलफ उठाते हैं ना ककूल में डेढ़ लाइन का हलफ है पता है उसमें क्या है मैं सियासत में हिस्सा नहीं रहूंगा और आयन का वफादार रहूंगा और दोनों बातों के ऊपर अमल नहीं करते हैं। वो डिक्टेटर्स जो पाकिस्तान की नजरियाती हिफाजतें करते हुए कूद पड़ते हैं दो बातें उन्हीं के खिलाफ चलते हैं आम फौज की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारे हुक्म के पाबंद है अब तो माशाल्लाह हमारी फौज भी कह रही है तोबा सा डीजी एस पी आर को शाहेब खान के प्रोग्राम में सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता मार्शाला का हालांकि पहले के जो फौजी जर्नैल थे वह धमकी ये लगाते थे स्टार्ट इसे करते थे कि मार्शाला ला जाएंगे तो मैंने कहा देखें कितने सॉफ्टवेयर इनके सही हो गए कि वो लोग जो हमें धमकी लगाते थे आज वो कह रहे हैं कि जी ये मुल्क कानून और जमहूरियत के मुताबिक चलेगा मार्शाला का सवाल ही नहीं पैदा होता एक तो ये तो बहुत बड़ी चेंज है तो जो जमात अगले इलेक्शन में आयन और कानून की हुक्मरानी की बात करे ट्रू ये आपने अब खुद जज करना है कि ये ना हो कि एक बंदा जब निकलता है तो कहता है मुझे क्यों निकाला वोट को इज्जत दो और कुछ अरसे बाद वो खुद ही उसकी खिलाफवर्जी कर देता है दूसरा बंदा निकलता है तो कहता है जी फौज का क्या काम है लेकिन फिर वो खुद बताता है मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी ये तो सब कुछ आर्मी चीफ करता था तो अब हमें क्या गारंटी है कि दोबारा जब तुम आओगे फिर वही काम ना करना शुरू कर दो तो ये आपने सारी चीजें देखनी है ये आवाम का काम है कि वैसे मैं आपको बताऊं तो अगले इलेक्शन में सबने कहना है वोट को इज्जत दो और सबसे आगे होंगे इमरान खान साहब लेकिन प्रैक्टिकली इनके मानने वालों का काम है कि इनसे हलफ लें काबे की छत पर खड़ा करें इन्हें इन्हें भी काबे की छत पर खड़ा करें कि अगर तुमने गद्दारी की तो सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ धरना हम लोग देंगे तो जो बंदा मुखले होना जी उसे वोट डालते हैं